बाला, बावर्ची खाने के हालात क्या है? सब ठीक तो है ना? शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक चल रहा है। खाली हाथ नहीं जाता कोई भी। मलहून खातून ने मदद की तुम्हारी? मलहून खातून नहीं आई। उनके पास करने को एक अहम चीज थी। इससे ज्यादा हम क्या हो सकता है? उनके ख्याल में हमारे खैमे में कुछ चीजें तब्दील होनी चाहिए जिन्हें वो पसंद नहीं करती। हर किसी की पसंद अलग होती है बाला। उसके जहन में जरूर कुछ होगा, शायद इसलिए ऐसा चाहती है। वैसे भी अब वो इस कबीले की खातून है, कुछ ना कुछ करना चाहती है। ये बताओ कि क्या भलाई की तलवार के बारे में सुना है तुमने? बताओ मुझे। एक बादशाह था जो अपनी सखावत की वजह से जाना जाता था। उस बादशाह ने सुना कि उससे ज्यादा भी इस दुनिया के अंदर कोई और सखी मौजूद है, और वो बहुत ज्यादा गजबनाक हो गया। वो कौन शख्स है जो मुझसे ज्यादा सखी है? हसद एक बुरी बला है। हसद ने बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खाना शुरू कर दिया, और फिर आखिरकार उसने अपने जल्लाद को तलब किया और कहा, जल्दी से मुझे इस शख्स से बचाओ, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सखी आदमी बनना है। बस आप सबके लिए है। आप भी लीजिए। चलती हूं मैं। जो शरबत के लिए शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? शुक्रिया। वो बादशाह गुस्से में था, उसने जल्लाद को हुक्म दे दिया, लेकिन जल्लाद जो था वो उस शख्स के घर मेहमान बन गया जिसको मारने गया था। उसके लिए दस्तरखान सजाया गया और भलाई की गई। फिर उस जल्लाद को मालूम हुआ कि यही वो आदमी है जिसे मुझे मारने का हुक्म मिला। आसानी हो आपके काम में। जोया, शुक्रिया। कुमराल अब्दाल की कहानी के इख्तिताम में मुझे तजस्सुस है। आखिर में क्या होगा जानता हूं, कुमराल अब्दाल से ही सुना था मैंने। मुझे भी बताएंगे ना? हाँ बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। किसको बच्चे पसंद नहीं होते? इनकी मीठी मीठी सी बोली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा अच्छा वक्त गुजर जाता है इनसे। जन्नत से आए हुए मेहमान हैं ये। जन्नत से आए हैं, ठीक कहा तुमने।
मुझे कुछ काम करने हैं। कहते थे ना कौतुक, आखिर कब तुम अपने जज्बात उसे बता सकोगे? जब जल्लाद महल में आया तो बादशाह ने उससे पूछा, तुमने क्या किया? क्या तुमने उस सखी आदमी को मार दिया है? उसने कहा, नहीं, वो नहीं मरा, मैं मर गया। बादशाह ने कहा, ये कैसे हो सकता है? कैसे? उसने कहा, मैं उससे मिला, उसकी मेजबानी, शफकत और उसकी सखावत ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और भलाई की तलवार से उसने मेरा गला काट दिया। बाला, अगर तुम उसका ख्याल रखना चाहती हो, भलाई की तलवार इस्तेमाल करो।